विंडोज की सेकंड क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा सा पेंट के बारे में जाना था, आज पूरे पेंट के बारे में कुछ आगे सीखते हैं। शुरू करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के लिए होल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। होल प्रोग्राम पर क्लिक करने के लिए एल सीरीज में जाएंगे। एल सीरीज जाने के बाद यहाँ पेंट हमारा जो प्रोग्राम है वो दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके हम उसको ओपन कर लेंगे। पेंट को जैसे छोटी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस पेंट को बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए यहाँ पे एक माइनस वाला साइन आ रहा है और एक रेक्टेंगल शेप में साइन आ रहा है, उसको मैक्सिमाइज बोलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो इसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। एक बार फिर बात कर लेते हैं एमएस पेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जो ऊपर जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ब्लू कलर की और जहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल्ड पेंट, इस ये हमारा टाइटल बार कहलाया जाता है। इसके बारे में, इसके बराबर में जो दिखाई दे रहा है ये कस्टोमाइज क्विक एक्सेस बार टूल बार्स कहा जाता है। ये जो एक एरो सा बना हुआ है ये रीडू कहा जाता है और ये अंडू कहा जाता है। इसके अलावा जो लास्ट में आपको ये माइनस और ये रेक्टेंगल शेप और ये रेड कलर का जो साइन दिखाई दे रहा है, ये हमारे कैप्शन बटन होते हैं। ये हमारे मेन्यू कहलाए जाते हैं। ये हमारे फाइल बटन होता है। ये हमारे बॉक्स होते हैं, या इनको ग्रुप कहते हैं। जैसे होम का एक क्लिप बोर्ड हो गया, इमेज हो गया, टूल्स हो गया, शेप्स हो गया, कलर्स हो गया। इसके अलावा व्यू के अंदर जूम है, शो या हाइट है, या डिस्प्ले है, ये ग्रुप कहा जाता है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट कलर का ये पेज होता है, यहाँ पे जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ये जूम टूल होता है। प्लस की पे क्लिक करेंगे तो बड़ा कर सकते हैं, माइनस पे क्लिक करेंगे तो उसको छोटा कर सकते हैं। आगे शुरू करते हैं। हमने टूल्स में पेंसिल और इरेजर के बारे में सीखा था, और हमने ये जो फिल विद कलर है इसके बारे में जाना था कि हम कोई भी शेप में कैसे कलर भर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट लिखने से पहले एक शेप बना लेते हैं। एक शेप हमने एक रेक्टेंगल वाली शेप बना ली, इसको हम इस क्या नाम इस मग से यानी इस फिल विद कलर से कोई भी कलर लेकर के इसके अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट टूल लेकर के जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉ हो जाएगा, एक बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक टेक्स्ट का अलग से टेक्स्ट टूल ओपन हो जाता है। जैसे हम टेक्स्ट क्लिक करते हैं तो एक टेक्स्ट टूल ओपन हो जाता है। देख लेते हैं क्या इस्तेमाल होता है इसका। जैसे मान लो मैंने कोई शब्द लिखा, जैसे दीपक लिखा। अभी जैसे पीछे की शेप का जो कलर है रेड है, वो टेक्स्ट का रेड कलर जो टेक्स्ट है रेड कलर से दिखाई नहीं दे रहा, तो इस कलर को चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, लास्ट में जो कर्सर क्लिक कर रहा है वहाँ पे माउस का पॉइंटर ले जाएंगे और क्लिक करके दबा कर रखेंगे और लेफ्ट की तरफ उसे ड्रॉ करेंगे, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो कलर्स है इस कलर्स का टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इस हमने ब्लैक कलर कर लिया है। अब जानेंगे इसके बारे में, टेक्स्ट के बारे में। जो ये पहले जो आपको दिखाई दे रहा है ये फॉन्ट का स्टाइल होता है। फॉन्ट का स्टाइल से मतलब ये है, जैसे टेक्स्ट में लिखाई होती है ना अलग अलग स्टाइल में, ऐसे यहाँ पे हम टेक्स्ट का भी अलग अलग स्टाइल लगा लेते हैं, लगा सकते हैं। जैसे लगाने के लिए मान लो मुझे कोई भी टेक्स्ट को स्टाइल चेंज करना है, उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बराबर बटन बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अलग अलग कलर टेक्स्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे एरियल है, एरियल ब्लैक है, जो भी आप टेक्स्ट का स्टाइल लगाओगे वो वाला टेक्स्ट का स्टाइल इस पर लग जाएगा। इसके अलावा जब आप टेक्स्ट ड्रॉ होता है तो आप ये देख रहे होंगे चारों तरफ इसके बॉक्स सा बना हुआ है व्हाइट कलर का, और यहाँ पे ऊपर चारों तरफ कॉर्नर में ये गोल गोल से कॉर्नर ही बने हुए हैं। इनका मतलब ये होता है कि आप जो भी जब किसी भी कॉर्नर पर कर्सर लेके जाओगे उस तरह का एरो चेंज हो जाएगा। यानी हम क्लिक करके इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो इस एरो को यानी इस बॉक्स को हम बड़ा भी कर सकते हैं ताकि हम टेक्स्ट बढ़ा सके। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नीचे साइज की। जैसे यहाँ पे भी हम यहाँ पे जो है 22 साइज है इसका, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट का साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मतलब 24 करना है, 26 करना है, या 18 करना है, 16 करना है, तो जो भी आप साइज चाहो वो साइज चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक ये बी सा बना हुआ है। बी का मतलब होता है बोल्ड, यानी अभी ये बोल्ड है, डार्क है। आप ये चाहो तो बोल्ड से टिक हटा दोगे तो अंडार्क हो जाएगा। डार्क का या अंडार्क का इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमने पहले से इसके ऊपर जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो एरियल ब्लैक लगा रखा है,
अभी हम एक टैक्स चेंज कर लेते हैं, इसको नॉर्मल टैक्स लगा लेते हैं, एरियल लगा लेते हैं। अब बात करते हैं बीपी यानी बोल्ड की, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम बी पे क्लिक करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, तो क्या हुआ, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा डार्क हो गया, गाढ़ा हो गया पहले से, यानी बोल्ड हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। इसके बराबर में इसको इटैलिक बोला जाता है, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक से मेरा मतलब ये है कि तिरछा हो जाता है। वापस दोबारा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वापस वैसे हो जाएगा। इसके नीचे ये, इसको अंडरलाइन बोलते हैं, यू के नीचे एक लाइन नजर आ रही है, इसको अंडरलाइन बोलते हैं। हमें जिसको भी अंडरलाइन करना है उस पर क्लिक करेंगे, वो अंडरलाइन हो जाएगा। देख सकते हैं आप, अंडरलाइन हो गया। दोबारा क्लिक कर देंगे उसको, सिलेक्ट करके हट जाएगा। एक होता है, ये होता है स्ट्राइक थ्रू। आपने देखा होगा जब आप कोई भी, मान लीजिए कोई आप मेथड लिख रहे हैं, कॉपी में कोई लिख रहे हैं, कोई चीज लिख रहे हैं, तो वो गलत हो जाती है, तो आप उसे पीछे से काट देते हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ऐसी मान लो मुझे इसमें से कोई चीज डिलीट नहीं करनी है, उसको स्ट्राइक थ्रू करना है यानी काटना है, तो जिस शब्द को हमें स्ट्राइक थ्रू बनाना है, उसको काटना है, उस शब्द को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू, उस पर क्लिक कर देंगे, तो क्या किया उसने, बीच में से उसको काट दिया, यानी उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। इसके बाद बात करते हैं बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में। ये जो दो ऑप्शन है, एक तो ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि पीछे का दिखाई दे। यदि मैं ऊपर वाला, अगर मुझे पीछे का नहीं देखनी है शेप, और ऊपर वाले पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, वो जो पीछे वाला ढक जाएगा, यानी ऊपर वाला फिल हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट वाले पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाला दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये कलर होता है, आप कोई भी कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर बॉक्स होता है, सेकेंड कलर हमारे पेज के लिए होता है। वापस अगर हम दोबारा से पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वापस वहीं पे आ जाएंगे, और ये जो टेक्स्ट एडिट था वो अनएडिट हो जाएगा। इसके आगे बात करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम पिकर बोलते हैं, यानी ये पिक टूल होता है। एग्जाम्पल इसका यूज कैसे होता है बताता हूँ। मान लो मैंने कोई एक इलिप्स या सर्किल ड्रॉ किया, मान लीजिए उसमें मैंने ये वाला कलर ड्रॉ कर दिया, और मान लीजिए मैंने एक शेप और ड्रॉ की, और एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो कलर है, ये वाला कलर इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पिकर टूल को लेकर के जो कलर हमें चाहिए जिस शेप का भी, उस शेप पे हम क्लिक कर देंगे। मान लो ये वाला चाहिए, रेड वाला चाहिए, तो रेड हम क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप उसने पिक कर लेगा उस कलर को, और हम चाहें तो वो कलर उसमें फिल कर सकते हैं। पिक कलर का इस्तेमाल ये होता है। इसके बाद ये आता है मैग्नीफायर। हमें किसी को अगर मैग्नीफाई करके देखना है, जूम करके देखना है, तो हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता है। दोबारा यदि हम उस पर क्लिक करेंगे मैग्नीफायर पर, तो मैग्नीफायर टूल हट जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ब्रशेस की। हम इस पेज के ऊपर अलग अलग ब्रशेस भी चला सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल पहले वाला चला के देख लेते हैं क्या स्टाइल आता है। जो ड्रॉ कर ले इसका स्टाइल ये वाला आ रहा है, दूसरा चला के देखते हैं इसका स्टाइल क्या आता है, इसका स्टाइल इस तरह से आ रहा है, एक और चला लेते हैं। यानी अलग अलग स्टाइल में ड्रॉ कर सकते हैं ब्रशेस के जरिए। आगे बात करते हैं शेप की। जैसे कि हम यहाँ पर पेज पे अलग अलग शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे शुरुआत से बात करते हैं। पहले होता है लाइन। लाइन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई लाइन खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है, तो हम लाइन पे क्लिक करेंगे। अगर हम जहां से भी खींचना शुरू करेंगे, क्लिक करके अगर हम आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन सीधी नहीं खींचेगी। सीधी खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, कीबोर्ड के अंदर जो शिफ्ट की होता है कोई सा भी, उस शिफ्ट की को दबाना है, और वापस हम जब खींचेंगे तो वो अपने आप ही सीधी हो जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में आप खींच सकते हो, सीधी खींचेगी, यानी शिफ्ट के साथ आप सीधी खींच सकते हो, बिना शिफ्ट के साथ उसको सीधी नहीं खींचती है। इसके बाद होता है कर्व, कर्व लाइन। कर्व लाइन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ये सीधी लाइन खींची, अब मुझे इसको तोड़ मोड़ना है, साइड से मोड़ना है, साइड से मोड़ना है, कर्व करना है, तो क्या होगा, ये कर्व हो जाएगी। और ये जो कर्व होती है, दो बार ही मौका मिलता है, उसके बाद उसके उससे ज्यादा मौका नहीं मिलता, एक बार और एक दो बार, यानी अब ये कर्व नहीं होगी, तो इसको कर्व टूल बोला जाता है। ऐसी शेप में अलग अलग होता है, ओवेल होता है, हम कोई ओवेल ड्रॉ कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल सर्किल बनेगा पूरा का पूरा शेप। ऐसी रेक्टेंगल होता है, ये राउंडेड रेक्टेंगल होता है, अलग अलग शेप आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं शेप के अंदर, ये अलग होता है, करके देखेंगे आप अपने आप। इसी तरह एक आगे आप ऑप्शन आता है आउटलाइन। आउटलाइन से पहले हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये वाली शेप मैंने ड्रॉ कर ली, और इसको मैंने मान लो एग्जांपल ये येलो कलर दे दिया।
एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने एक शेप ड्रॉ कर ली, जैसे हम शेप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक आउटलाइन के बराबर में बटन आता है जिस पे लिखा होता है नो आउटलाइन, यानी कोई आउटलाइन नहीं होगी। सॉलिड कलर यानी कि बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी, कलर दिखाई देगा। सियान करोगे तो हल्का दिखाई देगा। ऐसे ही अलग अलग स्टाइल में देखोगे तो अलग अलग स्टाइल में आउटलाइन का कलर स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहे तो इसको फिल भी कर सकते हैं, वो उसी हिसाब से फिल हो जाएगा। इसके बाद एक होता है फिल वाला ऑप्शन। मान लो मैंने एक शेप ड्रॉ करी, शेप ड्रॉ करने के बाद फिल वाले ऑप्शन पे गए, यहाँ पे नो फिल यानी कोई फिल नहीं होगा। सॉलिड कर देंगे तो पीछे वाला ढक जाएगा। ऐसे ये कर देंगे तो पीछे वाला हल्का दिखाई देगा। अलग अलग स्टाइल में आप देखोगे तो पीछे वाले पे इफेक्ट कुछ कुछ पड़ता रहेगा, कोई हल्का दिखाई देगा, कभी सॉलिड दिखाई देगा। कलर्स के बारे में हम जान ही चुके हैं, कलर्स के बारे में जान ही चुके हैं। कलर्स के अलावा एडिट कलर्स भी होता है। हम किसी कलर पर अगर हम कोई हमें और कलर चाहिए यहाँ पे जो हमें नहीं दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे एडिट कलर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से वो कलर ले लेंगे, जो भी आप कलर चाहो कलर ले लेंगे। आप किसी कलर का नंबर जानते हैं तो आप यहाँ पे वो नंबर भर सकते हैं जो आपको भरना है, उसके बाद ओके करेंगे तो वो कलर यहाँ पर आ जाएगा और उसको हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सेलेक्ट के बारे में भी जाना। इसके बाद बात करते हैं इसकी रिसाइज की और रोटेशन की। रिसाइज का मतलब ये होता है कि मान लो जो हमने शेप ड्रॉ कर रखी है, हम इस शेप का साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, रिसाइज एंड स्क्यू के नाम के विंडो शो दो ओपन हो गए। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिसाइज। ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको इसकी चौड़ाई कितनी बढ़ानी है और वर्टिकली कितनी बढ़ानी है। अभी फिलहाल ये 100% पे है, ठीक है। हम पिक्सल में चाहे तो पिक्सल में कर सकते हैं। पिक्सल जो है इसके 1700x720 है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। मान लो मुझे जो है इसकी चौड़ाई और बढ़ानी, मान लो 120 करनी है और वर्टिकल ऑटो हो जाता है यहाँ पर 120x120। जैसे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे इसको, तो क्या होगा, जिसकी चौड़ाई और लंबाई है दोनों बढ़ जाएगी। दोबारा से क्लिक करेंगे वापस इस पर, तो वापस 100 पे करेंगे तो वापस 100 हो जाएगी। इसके बाद एक नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे स्क्यू, यानी हमें तिरछा करना। स्क्यू का मतलब होता है तिरछा करना। हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से इसको तिरछा कर सकते हैं। मान लो मुझे 10% हॉरिजॉन्टली हो जाए और 15% मान लो वर्टिकली हो जाए, देखेंगे तो हमें ये तिरछा हो जाएगा। थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इसको पेज को ताकि दिखाई दे, ज़्यादा हो गया इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं इसको रिसाइज में, मतलब 5% कर लिया और वर्टिकल में फिर 5% कर दिया। ओके, तो उसके हिसाब से ही वो इसकी हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। कंट्रोल जड़ करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे कंट्रोल जड़ करेंगे तो एक बार वो वापस चला जाएगा। रीडू करोगे तो पहली जगह पर आ जाएगा। कंट्रोल जेड यानी अंडू और रीडू का मतलब समझ गए। इसके आगे बात करते हैं हम क्लिप बोर्ड की। क्लिप बोर्ड में एक पेस्ट होता है, एक कट होता है, कॉपी होता है। इससे पहले इतनी सारी शेप बनी हुई है, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। सभी शेप को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल वाला की दबा के रखते हैं और ए दबाते हैं, तो स्क्रीन जितना मैटर है वो सभी एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। उसे हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं डिलीट की के जरिए। यहाँ से कोई एक शेप बना लेते हैं, मान एग्जाम्पल मैंने ये शेप बना ली, इसके आउटलाइन सॉलिड रख लेते हैं और यहाँ से मान लीजिए मैंने एक कलर ले लिया ये वाला। अब इसको मुझे कट या कॉपी करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट टूल से कोई भी टूल ले सकते हैं। सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाकर मैंने रेक्टेंगल ले लिया, इसके बाहर से ड्रॉ करके हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन आता है कट। कट का मतलब ये होता है कि ये वाली शेप यहाँ से तो खत्म हो जाएगी, करके देख लेते हैं। और पेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब इसे उठा करके कहीं भी रख सकते हैं, क्लिक करके इसके ऊपर खींचेंगे इधर उधर, दबा करके क्लिक करके खींचेंगे तो ड्रॉ होगी, जहाँ चाहे आप वहाँ पे रख सकते हैं। कॉपी का मतलब ये, जब तक सेलेक्ट है तो कट भी चलेगा और कॉपी भी चलेगा, अभी सेलेक्ट है ना। कॉपी का मतलब ये होता है कि ये वाली शेप यहाँ भी रहेगी और एक कॉपी करके देख लेते हैं और दूसरी जगह भी पेस्ट हो जाएगी, यहाँ भी ये पेस्ट हो गया। आप इसको चाहे तो कहीं भी रख सकते हैं। इसके आगे व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। व्यू में सबसे पहले आता है पेज इन, यहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं, जूम इन, सॉरी जूम इन आता है, यहाँ से हम जूम कर सकते हैं, यहाँ से भी हम एक एक करके जूम कर सकते हैं या एक एक करके जूम आउट कर सकते हैं। एक बार एक और शेप और बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। अगर मान लीजिए हमने जूम ज्यादा कर रखा है, 100% पे करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, एक्चुअल साइज आ जाएगा।
एक होता है रूलर, इस क्या कि आप बॉक्स देख रहे होंगे, अगर इस पर चेक नहीं लगा हुआ है, टिक नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर रूलर शो नहीं हो रहा है। यदि हम इसको चेक कर देंगे, टिक कर देंगे, तो क्या होगा, ऊपर एक रूलर शो हो जाएगा। ये रूलर होता है, ये हॉरिजॉन्टली रूलर होता है, वर्टिकली रूलर होता है। एक होता है ग्रिड लाइन, जैसे हम ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक देख रहे होंगे ग्रिड लाइन की तरह एक ड्रॉ हो गई है, बहुत सारी लाइन है। इनका मतलब ये होता है कि आप कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे तो इन लाइन के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, कितना में रखना है, कितना रख सकते हैं, कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। इसके बाद स्टेटस बार होता है, जो नीचे वाला इस एरिया होता है स्टेटस बार कहलाया जाता है। इस पर टिक है तो स्टेटस बार शो होगा, हटा देंगे तो स्टेटस बार शो नहीं होगा। ग्रिड लाइन पर टिक हटा देंगे तो ग्रिड लाइन भी शो नहीं होगी। स्टेटस बार पर टिक लगा लेते हैं ताकि वो शो रहे। फुल स्क्रीन करेंगे तो ये जो स्क्रीन है ये पूरे के पूरे पेज पे शो हो जाएगी, फुल हो जाएगी। इसके कीबोर्ड के अंदर से फंक्शन कीज वाला F11 दबा देंगे तो वापस एक्चुअल साइज वहीं पे आ जाएगा। इसके अलावा ये जो है बटन दिखाई दे रहा है, ये पेंट वाला फाइल बटन होता है। इस जितने हम शेप बनाते हैं इनको हम चाहे तो सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। फाइल पर क्लिक करेंगे, एक होता है न्यू, यानी अगर हमें कोई एक नई फाइल इसके ऊपर लानी है, एक नई फाइल को लेके आना है, तो यहाँ पे एक नई न्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो पुरानी फाइल है पहले इसको पूछेगा कि तुम क्या इसको सेव करना चाहते हो या नहीं सेव करना चाहते हो, इसको कैंसिल करना चाहते हो। तो अभी हम सेव नहीं करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा है ओपन, यानी अगर हमने कोई पहले से कोई फाइल सेव कर रखी है तो ओपन पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी कोई फाइल सेव होगी, मान लो एग्जाम्पल ये फाइल हमने सेव कर रखी थी पहले, या मतलब पहले सेव किया होगा, तो इस फाइल को हमें ओपन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह एक तीसरा ऑप्शन आता है सेव, इस फाइल को हमें सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल जहां पे सेव थी वहीं पे सेव हो जाएगी। इसके नीचे ही दूसरा ऑप्शन आता है सेव एज, सेव एज का मतलब यह है कि जहां ये फाइल सेव थी वहां भी रहे। और एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर देता हूँ, एक ये वाला शेप बना देते हैं, एक ये वाली शेप बना देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये फाइल दूसरी जगह भी सेव हो जाए, जो हमने इसमें एक्स्ट्रा काम किया वो वाली फाइल भी सेव हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ लेके जा रहा है, पिक्चर्स में लेके जा रहा है, जहाँ पे ये पहले वाली, यहाँ पे ये वाली फाइल पहले सेव है, हमें इसको दूसरी जगह पे सेव करना है, मान लो डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड में सेव करना है डाउनलोड में क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपको सेव करना है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे मान लो मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे। जैसे हमें डेस्कटॉप पे लेके आए तो यहाँ पे क्या किया इसने, डेस्कटॉप वाला ऑप्शन खोल दिया, जहाँ पे हमने हमारे पहले से फाइल सेव है, जहाँ पे पहले से हमारे फोल्डर सेव है। यहाँ पे फाइल का नाम पूछता है कि जो ये फाइल सेव करना जा रहे हो वो फाइल किस नाम से सेव करोगे। एग्जाम्पल मान लीजिए पेंट के नाम से सेव करें, पेंट लिख देंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है हमारी सेव हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में पेंट के बारे में और जानेंगे।